देश की सेवा कर रिटायर्ड हुए फौजी की पत्नी के साथ एक जमीन के मामले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। परेशान महिला की कहीं सुनवाई नहीं की गई। भीमसेना के हस्तक्षेप के बाद आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेते हुए जल्द ही दोषियों पर उचित कार्यवाही की बात कही है। दरअसल मामला ये है कि 2013 में आदिवासी समाज की महिला रामकली बाई ने अपने पति जो आर्मी में नौकरी करते थे उनके रिटायर्ड की जमा पूंजी से अपने परिवार के लिए आशीष मिश्रा से एक 1600 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदा था, जिसके 7,44,000 रुपये कॉलोनी नाइजर को दिए और रजिस्ट्री के 80,000 रुपये भी दिए, जिसके बाद कॉलोनी नाइजर के द्वारा इंदौर कलेक्टर ऑफिस के रजिस्ट्रार कार्यालय में बकायदा रजिस्ट्री के लिए बुलाया और रजिस्ट्री भी कर दी, मगर रजिस्ट्री में पूर्ण दस्तावेज नहीं लगाए, जिसके चलते रजिस्ट्रार ने कई महीनों इंतजार करने के बाद रजिस्ट्री शून्य कर दी, जिसकी जानकारी रामकली बाई को कई महीनों के बाद पता चला। इसके बाद वह कई बार कॉलोनी नाइजर के ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गई होकर वह वकील के पास पहुंची, तब जाकर सही जानकारी मिली। तब से लेकर अब तक बेचारी आदिवासी गरीब महिला कॉलोनी नाइजर और आला अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रही है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसे परेशान होकर वह भीम सेना के संयोजक संजय सोलंकी से मिली, मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी। तब सोलंकी ने आला अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मिलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। आला अधिकारियों ने तुरंत घटना को संज्ञान में लेकर महू किशनगंज TI को फोन कर जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।